दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ आता है ये अलवर गेट नगर अजमेर और है ना यहाँ पे बिल्कुल भी एक बार भी खाना नहीं आया अगर वो जिसने भी सहायता करी उसने वो क्या कह रही है मेरे घर में से करी है उसके घर में से करी है उसने ये रेखा रानी उसके घर में से करी है खाना एक बार भी नहीं आया यहाँ पे पागल लोग रहते हैं क्या कहती है आपको क्या कह रही हो भगा देती है घर जाते जाओ 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 क्यों ऐसा क्यों ये पता नहीं है तो अब कैसे क्या करे आज आप तो कच्ची बस्ती है हाँ कच्ची बस्ती है क्या? ये आती आपके पास? बिल्कुल नहीं आती है कुछ भी कोई भी नहीं आता है यहाँ तो देखने पार्षद आता है ना कोई कुछ आता है और यहाँ पे लड़ने के लिए और छोरन को लेके आ रही है कौन ला रही है वो क्या रेखा रानी क्यों लाई छोरों को मारने के लिए गुंडेगर्दी मारने के लिए उनको कुछ मिल रहा नहीं है तो सहायता के लिए घर गए मांगने के लिए तो और उनको मारने लगी किसको मारा किसको गन्नू को कौशल्या हमारी एक कच्ची बस्ती है यहाँ बहुत लोग परेशान है इनको बरोबर खाना पीना नहीं मिल रहा है यहाँ जो भी सुविधा आ रही है आगे से सुविधा जो भी आ रही है वो सबको नहीं मिल पा रही है किसी किसी को देते हैं ये लोग जो ये है यहाँ के पार्षद जो भेजते हैं तो लड़के हैं जो जिन जिन का नाम लिख दिया उन्हीं को देंगे और जो जिनका नाम नहीं लिखा उनको कोई किसी को खाना नहीं मिलता हाँ गरीब लोग रहते हैं सारी ये सारे गरीब ही बीड़ी बनाती है सब बीड़ी बनाती है ये तो इनको कुछ भी नहीं मिलता मेरा नाम विमला देवी जी ये हुआ कि मैं जब रेखा रानी पिंगोली हमारे जो पार्षद है उनके घर गया तो उधर जो उनके कोई भी कनीज है उनका नाम है लोकेश उन्होंने मुझे दो दिन पहले यहाँ वहाँ घर बुलाया था तो मैं ना जाने की वजह से आज जा गया तो उन्होंने बोला मैंने आपको बुलाया नहीं है फिर वहाँ मैंने उनको बोला कि आपने बुलाया है फिर भी उन्होंने धिक्कार के बहुत तेज़ी आवाज़ में बोला कि यहाँ से निकल जा नहीं बुलाया मैंने तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई वो यहाँ आके मेरे घर पर आके बहुत गलत तरीके से अपशब्द बोल के गई है और मैंने जब उनके घर गया तो उनके घर गया तो उन्होंने आप पता नहीं कौन थे वो बंदे उन्होंने बुला के मेरे को पिटवाया कुछ पार्षद होते छते उन्होंने बाहर के किसी गुंडे से पिटवाया मुझको और यहाँ देखा है कई लोगों ने गवाह हैं कईयों ने वीडियो भी बनाई है तो और मेरी बस्ती वाले जो यहाँ समस्त खड़े हैं उन्होंने मेरे को वहाँ बचाया और बोलने पर विरोध करा गया तीन चार जने बड़े हट्टे कट्टे लोगों ने मुझे मारा है यूँ मारा है क्योंकि मैंने शिकायत करी थी वहाँ भाई मेरा बीपीएल कार्ड बंद है तो उन्होंने बुलाया था भाई तुम्हें राशन मिल जाएगा मैं बीपीएल श्रमिक हूँ तो वो मेरे यहाँ घर पे कुछ भी सामान नहीं आ रहा जैसे आटा दाल खाना पीना कुछ भी नहीं पूरी कॉलोनी के ये आले हमारे ना यहाँ कोई दवाई देने वाला आता है ना अभी हमारा मोहल्ला कभी अभी तक सैनिटाइज नहीं हुआ है इतने समय हो गया है अभी तक यहाँ कोई ना सरकारी अफसर आके चेक करता है कि यहाँ क्या परेशानी क्या नहीं सब कच्चे मकान वाले तो है नहीं चलो मानते हैं सबके मकान बने हुए हैं पर सब मजदूर है डेली मजदूर है कोई कलर पेंट पे आता है कोई बीड़ी बनाता है कोई बेचारा प्रेस में आता है वो मजदूर है यहाँ किसी भी प्रकार की सेवा नहीं आ रही है मेरा नाम गजेंद्र कुमार भैया ये वार्ड 33 नौकरण का अत्ता क्षेत्र है और जैसा कि परसों भी मधुरा न्यूज़ पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आमजन को ये बताना चाहूँगी कि मधुरा न्यूज़ से परसों भी यहाँ पर लोग आए थे और उस महिला की जबरन बाइट लेकर गए हैं वार्ड 34 से और कुछ लोग यहाँ नौकरण के अत्ते की भी यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है बाकी हमारे पास उस दिन की भी पिक्स वगैरह सब है और पिक हमने इसलिए नहीं लग रहा है कि अपलोड करेंगे या कहीं भेज रहे हैं हम सिर्फ हमारे सेफ्टी के लिए कर रखे हैं कि खाना मिल रहा है नहीं जैसे आज आपने हमसे सवाल कर लिया तो हम आपको कैसे बताएंगे तो इस चीज़ की सॉल्यूशन के लिए हमने पिक्स रख रखी हैं फिर मैंने 11 बजे आके उस महिला से भी संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि मुझे जबरन बुला लिया आज चैनल वाले मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सभी चैनल से मैं हम सभी पार्षदों की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम अगर आप एक पक्ष की बात रख रहे हैं तो दूसरे पक्ष को भी जरूर सुने आज मरुद्रा न्यूज़ वाले ने सिर्फ एक ही पक्ष रखा दूसरा क्यों नहीं रखा आज जैसा कि आज भी मेरे घर पर गन्नू नाम का व्यक्ति नौकरण का आता है और ये जो राहुल ने तो खैर अभी किया है लेकिन मेरे घर पर आकर उसने बदतमीजी करी और मुझे देख लेने की धमकी दी थी इस चीज़ को लेकर हम उसे समझाने के लिए यहाँ पर आए थे जिससे कि मेरे साथी वकील साहब लोकेश जी है उससे बात कर रहे थे लेकिन उसने मारा धाड़ी पर आ गया और इस राशन को लेकर उसने अनिल राशन वाले जी से भी लड़ाई करी थी और उन्हें भी कहा सुनी करके आए थे जिसको भी हमने शांत किया हम ये बोल रहे हैं कि आज हम इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में जब हम हर चीज़ का कार्य कर रहे हैं और लोगों को राशन बांटना खाना बनाकर बांट रहे हैं तो आज ये चैनल
आज हमारा सहयोग करना चाहिए, आज हमारी पक्ष को भी रखना चाहिए, लेकिन हमारे बिना पक्ष रुके मरुधरा ने अपनी न्यूज छाप दी, ऐसा क्यों? आज भी आप आए उनके ऊपर हाथापाई करी, उन्होंने ये आपका आरोप लगाया है। आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, पार्षद है, जनप्रतिनिधि। आरोप लगाया कि आपके जो साथीदार है लोकेश जी का आप नाम ले रहे हो, उन्होंने और उनके जो साथीदार और भी कोई लोग थे, उन्होंने भी कोई मारपीट करी उनके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यहाँ तो बाद में आए हम, उन्होंने खुद मेरे घर पर आकर इस चीज की धमकी दी थी और लोकेश जी को मारने की धमकी दी थी कि हम तुम्हें देख लेंगे। गजेंद्र उर्फ गन्नू जो कि अपने आप को प्रेस रिपोर्टर बताता है, वो आया था रेखा जी पिंगोलिया के घर पे, उनका बीपीएल का राशन है, जबकि उनको राशन मिल गया उसके बावजूद भी वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और उन्होंने फिर मेरे साथ में जान से मारने की धमकी दी, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने के लिए धमकी दी। यदि मुझे और मेरे परिवार को आने वाले 2 दिन में कुछ हो जाता जिसकी समझ जिम्मेदारी गजेंद्र उर्फ गन्नू व उनके पड़ोस के राहुल और की होगी, क्योंकि ये दोनों परिवार बीपीएल के हैं और इनको बीपीएल में सरकार द्वारा अनाज गेहूँ मिलता है। लोकेश जी आज आप यहाँ आए थे, आपने भी किसी पे हाथापाई करी, उन्होंने आपके आरोप लगाए? नहीं साहब, यही मेरा घर है, आप मेरे घर के बाहर ही खड़े हो, मैं मेरे घर ही आया था, मेरे घर ही था जो वो लोग मेरे घर ही लड़ने आए थे। नहीं, मैं मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूँ, मैं अभी हाल ही की बात हुई है, मैं दर्ज करा रहा हूँ। मेरा नाम एडवोकेट लोकेश कुमार।